वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ब्यूटी व्लॉग्स। क्या आप भी अपने हेयर फॉल से परेशान हैं एंड विंटर में आपके बाल इतने ज्यादा ड्राई हो जाते हैं, डैंड्रफ हो जाता है कि भाई ये हटने का नाम ही नहीं लेता, एंड इससे हमारे बालों का टेक्सचर जो है और भी बेकार होता जाता है। ना हमारे बालों में शाइन बचती है, ना हमारे बाल स्मूथ रहते हैं, ना टेक्स्चर अच्छा रहता है, एंड इतने ज्यादा ड्राई हो जाते हैं, झड़ते हैं, फ्रिजीनेस आ जाती है कि हम क्या करें। तो हेयर प्रॉब्लम से बचने के लिए आप लोग लगाते हैं महंगे महंगे शैम्पूज एंड मास्क तो आजकल हर कोई ट्राई करता है, हेयर मास्क तो हर किसी के घर में मिलेंगे। बट सबसे पहली प्रिकॉशन ही उसके अंदर ये रहती है कि आपने वो जो मास्क है जो आप मार्केट से बाय करते हैं उसे आपने अपनी स्कैल्प पर नहीं लगाना है। तो सबसे पहले अगर ये प्रिकॉशन आ गई तो हम मास्क को कैसे यूज करेंगे, बस हमारी स्ट्रेंथ पे लगा दिया छुट्टी। एंड बालों का क्या हुआ, स्कैल्प का क्या हुआ, स्कैल्प का कुछ असर नहीं करेगा अगर हमने लगाया तो यू नो वॉट, हमारे बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा मास्क लेकर आई हूँ, ये आपके बालों के लिए एक बून साबित होने वाला है। यस, वो कैसे मैं आपको बताती हूँ। आपके लिए ये हेयर ग्रोथ का काम करने वाला है। इसके अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स मिले हैं वो सारे हेयर ग्रोथ को ही प्रमोट करते हैं। सेकेंडली, इस मास्क के अंदर वो भी इंग्रेडिएंट्स मिले हैं जो आपके बालों का टेक्स्चर को स्मूथ बनाएंगे, फ्रिजीनेस हटाएंगे, ड्राईनेस हटाएंगे एंड बालों को सॉफ्ट स्मूथ शाइन प्रोवाइड करेंगे। एंड जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट होगा उसका काम है आपके बालों की जो स्कैल्प है ना उससे सारा डैंड्रफ हटा देना, एकदम खत्म कर देना। जी हाँ, तो गाइस चलिए बिना देरी करें मैं अपनी वीडियो को करती हूँ स्टार्ट। बट हाँ, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, प्लीज प्लीज प्लीज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपने इंग्रेडिएंट्स ले लेने हैं अपनी क्वांटिटी के हिसाब से। मैंने यहाँ पे लिया है अलसी, यहाँ पे अलसी मैं लूँगी 3 से 4 चम्मच क्योंकि मुझे अपने बालों की लेंथ के हिसाब से मास्क बनाना है, तो उतना ही मैं अलसी की क्वांटिटी लूँगी। आप लोग के बाल अगर छोटे हैं तो आप 2 या 2 चम्मच भी ले सकते हैं। देन इसके बाद मैं ऐड करूँगी 1 or 2 cup ऑफ वाटर, इसके अंदर मुझे ऐड करना है क्योंकि अलसी को ना मतलब अगर आप भिगोएंगे तो ये फूल जाएगी अलसी एंड इसका जेल निकल जाएगा, तो मैंने यहाँ पे 2 cup पानी ऐड करा है। देन इसके बाद मैंने अलसी को भीगने दिया है 1 घंटे तक। तो 1 घंटे के बाद मैंने क्या करा है, अलसी को कर लिया है बॉयल, आप लोग देख सकते हैं, बॉयल होने के लिए रख दिया। बॉयल होने से इसकी क्वान्टिटी डबल हो जाएगी एंड इसका जो जेल है वो भी आ जाएगा, तो मैंने जेल के साथ ही इसे ठंडा कर दिया। इसके बाद इसे ग्राइंड कर लिया, आप लोग देख सकते हैं ग्राइंडर की मदद से। तो ग्राइंड करने के बाद मैंने यहाँ पर लिया है एलोवेरा जेल, एलोवेरा जेल मैंने यहाँ पे प्लांट बेस का लिया है, अगर आप चाहें तो मार्केट वाला भी ले सकते हैं बट मैंने यहाँ पे प्लांट वाला लिया है। तो मैंने इसको अच्छे से कर लिया है ग्राइंड, इसको भी आपने ग्राइंड करके उसी अलसी के पेस्ट के अंदर मिलाना है, तो मैंने भी यही करा है। थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था बट कोई नहीं, फिर बाद में हो गया। देन इसके बाद मैंने एलोवेरा का पल्प भी मिला दिया। देन इसके बाद मैंने लिया है विटामिन ई का कैप्सूल, आप चाहें तो ले सकते हैं या वरना अवॉइड कर दीजिए, यह आपके ऊपर है, बट फिर भी मैंने यहाँ पर एक कैप्सूल जो है डाल दिया, ऐड कर दिया अपने मास्क के अंदर। ये गाइस बहुत अच्छा मास्क है, अभी आपको इसके आगे बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो उसके बाद मैंने फाइनली ऐड कर दिया। देन इसके बाद मैं ऐड करूँगी कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल मैंने यहाँ पे अपने बालों के हिसाब से आधा ढक्कन डाला है, आधा एंड हल्का सा और मैंने डाल दिया था बाद में कि मतलब मुझे थोड़ी क्वांटिटी कम लग रही थी तेल की, तो इसी वजह से मैंने इसे अब अच्छे से मिला लिया है। तो गाइस फाइनली हमारा मास्क बनके रेडी हो गया, अब बारी आती है इसको लगाने की। अप्लाई करने से पहले आपको अपने बालों को अच्छे से डिटेंगल करना है, नीचे से स्टार्ट करनी है, ऊपर तक लेके जाना है, जैसे कि मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ। देन इसके बाद मैंने ले लिया है मास्क, अब मैं इसे अच्छे से अपने स्कैल्प पर लगाऊंगी, स्कैल्प पर ही लगाना है। देन इसके बाद लगाना है आपने अपनी लेंथ पर नीचे तक, क्योंकि गाइस स्कैल्प पर लगना बहुत ज़रूरी है, ये हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है एकदम बहुत ही बढ़िया तरीके से, आपकी हेयर ग्रोथ करेगा, साथ ही साथ में इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होने वाला है आप लोगों को। अगर आपको एलोवेरा से एलर्जी है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। अब गाइस मैं आपको बताऊंगी कि मैंने इंग्रेडिएंट्स क्यों लिए, ये इंग्रेडिएंट्स क्या काम करेंगे हमारी हेयर ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। तो चलिए गाइस मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, तो जरा ध्यान से बैठ जाइए। नंबर 1 इंग्रेडिएंट मैंने यहाँ पर लिया है फ्लैक्स सीड्स, या जिनको अलसी के बीज के नाम से भी आप लोग जानते होंगे एंड बहुत ही ज्यादा फेमिलियर होंगे। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट इंग्रेडिएंट इसलिए लिया है अलसी के बीज क्योंकि अलसी के बीज के अंदर मौजूद होते हैं ओमेगा 3 एंड फैटी एसिड जो हमारी स्कैल्प को स्ट्रांग बनाते हैं, हमारे बालों को झड़ने से रोकते हैं एंड साथ ही साथ हमारे जो हेयर फॉलिकल्स है उनको स्ट्रांग बनाते हैं। हमारे हेयर से जितनी भी रिलेटेड प्रॉब्लम होती है लाइक हेयर लॉस होना, बालों का झड़ना, बालों का टूटना एंड बालों का जो मॉइस्चराइजर चला जाता है वो अलसी के बीज हमें वापस ला के देती है
होती है, इसी वजह से मैंने अलसी के बीज यहाँ पर लिए हैं। देन नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैंने यहाँ पर लिया है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल को हिंदी में बोला जाता है आरंडी का तेल। ये बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है हमारे बालों की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। अगर इसके टेक्सचर की बात करें तो वो थोड़ा थिक हो सकता है, आपको नहीं पसंद आएगा, बट सच में अगर आप इसके टेक्सचर को साइड रख के इसके यूजेस देखेंगे ना, एंड इसके जो इतने फायदे आपको मिलने वाले हैं वो कमाल के मिलने वाले हैं आपको। कैस्टर ऑयल के अंदर हमें मिलते हैं ओमेगा 6 एंड 9 एसिड्स जो हमारे बालों की क्वालिटी टेक्सचर पर वर्क करते हैं एंड उनको इम्प्रूव करते हैं। इसी वजह से मैंने यहाँ पे कैस्टर ऑयल लिया। कैस्टर ऑयल के अंदर आपको मिलेगा विटामिन ई, मिनरल्स एंड प्रोटीन्स जो आपकी रूट्स पे काम करेंगे एंड साथ ही साथ आपके हेयर लॉस को एकदम जड़ से खत्म कर देंगे। जिसके भी हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है, नहीं रुकता सर्दियों में हेयर फॉल, तो प्लीज गाइस आप इसे जरूर इंक्लूड करना अपने मास्क के अंदर। ये बहुत ही आपके बालों का टेक्सचर एकदम इम्प्रूव कर देगा, एकदम बेस्ट बना देगा। देन नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की बात करूं तो मैंने यहाँ पर लिया है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल मैंने यहाँ पर इसलिए लिया है क्योंकि एलोवेरा जेल के अंदर मौजूद होते हैं एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो हमारी स्कैल्प को स्ट्रांग बनाने में मदद करते हैं एंड हमारे बालों को रूट से स्ट्रांग बनाते हैं। एलोवेरा के अंदर मौजूद होते हैं कुछ फैटी एसिड्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स लाइक विटामिन ए, विटामिन बी 12, सी एंड ई जो हमारे हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रांग बनाने में मदद करते हैं। इसी वजह से मैंने यहाँ पे एलोवेरा जेल का यूज करा है, आपने भी स्किप नहीं करना है। देन फोर्थ इंग्रेडिएंट मैंने यहाँ पर लिया है विटामिन ई कैप्सूल। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, एकदम ऑप्शनल है, क्योंकि विटामिन ई आपको अलसी के बीजों में एंड एलोवेरा में एंड कैस्टर ऑयल में भरपूर मिल जाएगा। तो गाइस आपने ये तीन इंग्रेडिएंट्स तो लेने ही लेने हैं। फाइनली मैंने अपना हेड वॉश कर लिया था 1 घंटे बाद एंड अपने बालों को अच्छे से ड्राई कर लिया था, तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना अमेजिंग रिजल्ट आया है। मेरे बालों की जो वॉल्यूम है वो भी काफ़ी अच्छी है, टेक्सचर काफ़ी अच्छा है एंड एकदम सिल्की स्मूथ एंड शाइनी मेरे बाल इस वक्त लग रहे थे। सच में मुझे बहुत अच्छा लगा ये मास्क, आप भी ट्राई करना एंड मुझे रिजल्ट ज़रूर बताना कैसी लगी आपको ये वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी आपको बताना, सबसे पहले तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या आपने मास्क ट्राई करा एंड मास्क ट्राई करा तो आपको इसके रिजल्ट्स कैसे मिले। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए गाइस करते हैं यहाँ पर वीडियो को एंड। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।